गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कंप्यूटर की बुक में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, पेज नंबर 46। यहां पर करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। टू क्रिएट ए न्यू टेक्स्ट फाइल गो टू फाइल मेनू, है ना, यहां टिक करना है और यहां पर हमको उसको लिखना भी है। इसी तरह से नोट पैड इज यूज टू सेव टेक्स्ट एंड इमेजेस, इमेजेस टेक्स्ट ओनली टेक्स्ट, है ना, इमेजेस हम सेव नहीं कर सकते, यहां पर लिखना भी है आपको टेक्स्ट। इसी तरह से है द ऑप्शन विल क्रिएट अ कॉपी ऑफ द टेक्स्ट फाइल ऑन अ शीट ऑफ पेपर, है ना, पेपर पर कॉपी कौन सा ऑप्शन निकालता है, प्रिंट, है ना, यहां पर लिखना भी है। इसी तरह से किस में वर्ड रैप फीचर ऑन है वो हमको देखना है। आपको बताना वर्ड रैप फीचर जब ऑन होता है तो अपने आप टेक्स्ट अगली लाइन में आता जाता है, जब यहां पर पहुंचेगा तो इसमें ऑन है, इसमें नहीं आ रहा है तो इसमें ऑफ है, तो आप यहां पर लिखोगे। फिर हमको यहाँ पर जो नोटपैड के कंपोनेंट्स है वो लिखेंगे। ये टाइटल बार है, यहाँ पर नाम नेम आएगा जो भी फाइल है उसका। ये मेनू बार है, ये क्लोज बटन है, ये मैक्सिमाइज, ये मिनिमाइज और ये है टेक्स्ट एरिया। ये आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हम आएंगे तो आपके पास है लैब प्रैक्टिस। आपको नोटपैड ओपन करना है, उस फाइल को सेव करना है थर्स्टी क्रो के नाम से और ये पूरा पैराग्राफ उसके अंदर ऐसे ही टाइप करना है। जहां पर नेक्स्ट पैराग्राफ है वहां पर स्पेस छोड़ना है, जहां पर फुल स्टॉप है वहां फुल स्टॉप लगाना है, जहां पर इन्वर्टेड कोमा है वहां इन्वर्टेड कोमा, एज इट इज आपको इसको नोटपैड में टाइप करना है। फिर आप इसको, आपके पास प्रिंटर अगर अवेलेबल है तो आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं।